हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कट स्टार सैलून एंड हेयर विग में। तो आज हम एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट की और हेयर ट्रांसप्लांट की, कौन सा बेस्ट होता है और आप कौन सा करा सकते हैं। देखो, मेरा मानना यह है कि दोनों ही चीज़ अपनी जगह बेस्ट हैं, दोनों ही तरीके सक्सेसफुल हैं, और कुछ कुछ चीज़ें दोनों में ही ऐसी होती हैं कि जिससे कि प्रॉब्लम भी हो सकती है या प्रॉब्लम आप मैनेज भी हो जाती है, ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसप्लांट की, तो ट्रांसप्लांट बेसिकली होता है क्या, ट्रांसप्लांट हमारे जो बाल बाल्डनेस एरिया आ गया उस बाल्डनेस एरिया को कवर करने के लिए होता है, और वो हमारे ओरिजिनल हेयर ही लिए जाते हैं, यानी कि साइड एरिया हो गया या डोनर एरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ से उठा करके और वहाँ पे बाल्डनेस एरिया में लगाए जाते हैं। लेकिन उसमें हमें डेंसिटी आप बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमें मनचाहा एक लुक नहीं मिल पाता या हम लंबी लेंथ नहीं रख सकते, और पेनफुल भी होता है और सर्जिकल होता है और एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट उसमें खर्च हो जाता है। वहीं अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं नॉन सर्जिकल की, नॉन सर्जिकल अफोर्डेबल होता है और साथ साथ एक अच्छी डेंसिटी या लो डेंसिटी, ये चॉइस आपकी रहेगी, कैसा भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा उसमें हर तरह का स्टाइल आप मैनेज कर सकते हैं, ईजी टू यूज़ होगा, ईजी टू मेंटेन होगा, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा आप नॉन सर्जिकल पे जाएं, अफोर्डेबल और यूजेबल और बहुत आसान तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो ज़्यादा बड़ी उसमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, तो बेस्ट है आप नॉन सर्जिकल पे जाइए। तो थैंक यू सो मच। हमारी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।